चंदन क्यारी के झालवर्धा पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। शिविर में निरीक्षण के लिए 4 SDM दिलीप प्रताप सिखावत पहुंचे। उन्होंने लोगों से शिविर में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर लाभ लेने का आग्रह किया। शिविर में JSPL समेत अन्य विभागों के सैकड़ों आवेदन लिए। कार्यक्रम चलते ही कुछ देर बाद झालरबर्दा पंचायत के भाजपा कार्यकर्ताओं ने चंदन क्यारी प्रखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित नहीं करने पर जमकर बवाल काटा। शिविर में व्योमकिल सिंह, जगन्नाथ मांझी, दयाल मांझी समेत अन्य लोगों ने BDO अजय कुमार वर्मा के साथ नोकझोंक हुई। लोगों ने बताया कि यहाँ के अखिलेश खेतों पर खेत के बिचड़ा खेत में ही सूख गया है। इस क्षेत्र के किसान एम फसलीय खेती पर निर्भर रहते हैं, लेकिन मानसून के दगा के कारण किसानों के समक्ष अपने मवेशियों को बचाने की चिंता हो रही है। जहां BDO ने संज्ञान लेते हुए कहा कि आप लोग इसकी लिखित शिकायत करें, जिसे अग्रतर कार्रवाई करते हेतु पदाधिकारियों के समक्ष भेज दिया जाएगा। शिविर में कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष एवं 20 सूत्री सदस्य के साथ ही नोकझोंक हुई। मौके पर जलेश्वर दास, मुखिया बासंती देवी, उप प्रमुख पद्मा देवी, हाड़ूमान जी, विरंची माता समेत अन्य लोग मौजूद हैं। मांग है, ये जो सरकार आपके द्वारा ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है ये पूरी तरह से फ्लॉप है। आप अगर धरातल में अगर इसको देखते हैं, जिस प्रकार आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जिला में, अलग अलग प्रखंड में जिस प्रकार आप सूखाग्रस्त मैंने घोषित कर रहे हैं, और हमारा चास चंदन केरी को जिस प्रकार आप वंचित रखे हैं, ये हमारे साथ पूरा भेदभाव किया जा रहा है। ये हमारे साथ अन्याय है, यहाँ का किसानों के साथ अन्याय है, और ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के मैंने बल्कि सरकार के भी लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कांग्रेस के भी लोग, यहाँ के जो किसान हैं, हम लोग ब्लॉक घेरने का हम लोग काम करेंगे। अगर हमारा चंदन केरी को सूखाग्रस्त घोषित अगर नहीं किया जाता है, तो हम लोग यहाँ से लेकर हम लोग सदन तक इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। आपके मांग को BDO साहब ने क्या आश्वासन दिए? कहना ये है कि आप हमें, आप अभी संज्ञान में हमें दीजिए, आप हमें लिखित में दीजिए, हम इसकी सूचना हम सरकार तक हम पहुंचाने का। वहीं देखे 20 सूत्रीय जो बैठे हुए हैं आपके साथ, काफी बगझक लग रहा था। वो सिर्फ एक प्रलोभन देने का वो काम कर रही है, वो अपना वो बचाव कर रही है। और किनका बचाव कर रही है? सरकार की बचाव कर रही है अपना? वो सरकार की अपना बचाव वो कर रही है। 20 सूत्री के जो लोग जो हैं बैठे हुए हैं, वो अपने सरकार की वो बचाव कर रहा है। वो उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। अभी वर्तमान में झारखंड से जो अभी लूट खसोट की जो राजनीति अभी चल रही है, इसी को ये लोग आगे लेके अभी बढ़ा रहे। जनता का क्या हो रहा, किसान का क्या हो रहा, इससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। किस प्रकार हम लोग ने देखा, कोविड में 2 साल हम लोग बिताए, उसके बाद हमारा 3 साल सरकार का कंप्लीट होने अभी जा रहा है, लेकिन हमारा चंदन केयर की स्थिति ये है कि दुर्व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा। जनता आपका दरबार जो झालवर्धा पंचायत में जो अभी तत्काल हो चुका है, मतलब होने का संभावना फाइनल होते जा रहा है। BDO प्रखंड विकास पदाधिकारी का अध्यक्षता में सबसे बड़ा मेरा अनुरोध है, PDS दुकानदार आज तक 2 महीना का चाल जो फ्री वाला है, आज तक मेरा झालवर्धा पंचायत में जितना कोटाधारी है, किसी PDS दुकानदार लोग किसी को आज तक जनता को किसी को फ्री में जो 5 किलो करके 10 किलो चावल दे रहा मोदी जी, वो वाला अभी तक कोई जनता को नहीं मिला है और अभी तक दिया भी नहीं है। तो जनता BDO से क्यों नहीं बोला? जनता BDO से बोला है, BDO साहब बोला अभी तक आया नहीं, एगो आ गया है, मिल जाएगा, यही बोलकर BDO साहब संतना कर दिया। सर, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत शिविर लगाए हैं, शिविर में देख रहे हैं आप सभी सबसे ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। पब्लिक के बीच में ये जो है प्रचार प्रसार बहुत अधिक है कि ये जो हम लोग का कैंप है उसमें हम लोग कुछ फोकस स्कीम होता है, जिस फोकस स्कीम में हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं और अविलंब तुरंत देन एंड देयर जो है हम लोग उसका वितरण करते हैं, परिसंपत्ति का या फिर उसकी स्वीकृति देते हैं। तो इस प्रकार ये योजना जो है बहुत ही हमारे पंचायत में सफल है और हम लोग आज कम से कम 2000 आवेदन जो हैं छात्रवृत्ति से लेके कम्बल वितरण से लेके सारी किशोरी समृद्धि योजना है, KCC है, ऋण माफी है, धान अधिप्राप्ति है, PDS का मामला है, सभी मामलों को हम लोग निष्पादन करेंगे। और सर, राज्य सरकार द्वारा चास चंदन क्यारी को सुखाड़ घोषित नहीं करने पर सरकार आपके द्वार में सर ग्रामीणों और किसानों ने सर मतलब आपसे मांग कर रहे हैं कि सर की हम लोग जो ज्ञापन दिए हैं पब्लिक का, हम लोग जो है वो अपने वरीय अधिकारी को देंगे। सर, सरकार के प्रतिनिधि जो हैं उनसे देखे से काफ़ी मतलब नोकझोंक हो रहा था सर। नोकझोंक की बात नहीं है, ये मामला जो है वो राज्य स्तर से मामला है, हम लोग उसको यहाँ से
जो भी हम लोग का प्रक्रिया है हम लोग करेंगे और हम लोग भेजेंगे वरीय अधिकारी को संज्ञान में देकर।